हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जनरल साइंस की हमने जो पिछली क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हमने मानव रोग तथा उससे संबंधित जो है सूक्ष्म जीवों के बारे में हमने अध्ययन किया था कि मानव के अंदर रोग किस प्रकार से मानव को प्रभावित करते हैं। मुझे आशा है कि आपने पिछली क्लासों को बड़ी जो है श्रद्धापूर्वक देखा होगा। श्रद्धापूर्वक इसलिए क्योंकि अच्छे मानस के साथ, अगर अच्छे मन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अगर आप पूरी क्लास को देखोगे तो आपको एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी के साथ समझ में आ जाएगी। आज की क्लास को हम शुरू करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है उसका जो हमारा टाइटल होने वाला है, जो हमारा चैप्टर है या हम कहें कि टॉपिक है, जो मेन उसकी हेडिंग होने वाली है, वो होने वाला है आहार एवं पोषण। आहार एवं पोषण आज की क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है। आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर जितने भी सजीव पाए जाते हैं, दुनिया के अंदर जितने भी सजीव पदार्थ हैं, उन सभी सजीव पदार्थों को अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जी, ऊर्जा की। किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। अब मनुष्य को जब अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो यह ऊर्जा मनुष्य को कहां से प्राप्त होती है, या किसी भी सजीव को यह ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? हाँ, किससे प्राप्त होती है? जी, खाने से, है ना, भोजन से, आहार से हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये आहार के अंदर ऊर्जा कैसे संचय होती है, या आहार से हमें ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है, इस बात को हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है, समझना है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर सूर्य के प्रकाश से अपना जीव जो है भोजन बनाने वाले जीव पादप होते हैं। पादप क्या करते हैं? वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करते हैं और उनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, उसकी उपस्थिति में प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन के अंदर ऊर्जा संचित होती है। पादप उस ऊर्जा का 10% 90% तो अपनी दैनिक क्रियाओं को, अपनी जैविक क्रियाओं को करने के लिए कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो पादप के पास ऊर्जा बचती है 10%, उस ऊर्जा को वो अपने अंदर भोज्य पदार्थ के रूप में संचित कर लेते हैं। यानी पादप को ऐसा लगता है कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी, जब परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं रहेंगी, तो मैं ये जो अपने अंदर संचित ऊर्जा है इसका उपयोग करूंगा और अपना जीवन यापन कर लूंगा। यानी पादप बाकी जो 10% ऊर्जा रहती है उसको क्या करता है? अपने अंदर भोज्य पदार्थ के रूप में संचित कर लेता है। लेकिन जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वह पादपों के अंदर उसी संचित भोज्य पदार्थ का सेवन करके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी जो ऊर्जा पादप ने प्राप्त की थी उसका 10वां भाग कोई भी शाकाहारी जीव पादप से प्राप्त करता है। शाकाहारी जीव उस 10% ऊर्जा का 90% उपयोग अपनी जैविक क्रियाओं को करने के लिए कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, मैं बात करूं, आपको समझाऊं कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई पादप है, ठीक है, हमारे कोई पास कोई एक पादप है, मान सकते हैं कि कोई पादप है, दिख रहा है? आई होप आपको ये दिख रहा हो, थोड़ा डार्क कलर से अगर मैं करके दिखाऊं। मान लीजिए हमारे पास कोई पादप है, इस पादप के ऊपर यहां से क्या पड़ रहा है? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। पादप की पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है।
और ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्लोरोफिल वायुमंडल में उपस्थित CO2 प्लस H2O का उपयोग करता है तथा CO2 और H2O का उपयोग करता है तथा प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल के सहयोग से ये किसका निर्माण करता है, ये भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है, ये भोज्य पदार्थ का। भोज्य पदार्थ मतलब C6H12O6 और यही क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज नहीं, हम इसे खाद्य पदार्थ ही कहेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारे, हमारा खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ जो पादप खाने के लिए उपयोग में लेगा और भोज्य पदार्थ के रूप में संचित करेगा तथा इसके साथ वो क्या मुक्त करेगा, ऑक्सीजन। यानी कि पादप वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके तथा जल का उपयोग करके इस भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या करता है, वो ऑक्सीजन मुक्त करता है। जबकि मनुष्यों के अंदर यही क्रिया उल्टी होती है। मनुष्यों के अंदर जब शोषण जो है खाने की क्रिया होती है, मतलब मनुष्य जब खाना खाता है तो खाने के रूप में इसी भोज्य पदार्थ को खाएगा यानी C6H12O6 को खाने के रूप में खाएगा और श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन को अपने शरीर में लेकर जाएगा। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे और किसका निर्माण करेंगे, इन्हीं दोनों का, CO2 प्लस H2O का। और यहां प्रकाश से ऊर्जा ली जा रही थी, यहां जब CO2 और H2O का विघटन होगा यानी भोज्य पदार्थ का विघटन होगा और CO2 और H2O बनेगी तो क्या मुक्त होगी, यहां आपके ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। यानी क्या मैं कह सकता हूं कि ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त सजीव या समस्त निर्जीव या जितनी भी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता देता हूं क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह सिद्ध किया गया है कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी ऊर्जा है, ना तो कभी उस ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही कभी उस ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित समस्त ऊर्जा को ना तो कभी उत्पन्न किया जा सकता है ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह है ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब जो आपकी जितनी भी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में है वो सभी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। यहां क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा मिल रही है उस ऊर्जा से CO2 और H2O मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, इस भोज्य पदार्थ का। जबकि आपके शरीर के अंदर यही भोज्य पदार्थ जिसके अंदर ऊर्जा संचित है, इस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होता है CO2 और H2O में और यह ऊर्जा जो पादप के अंदर प्रकाश के द्वारा आई थी, यह ऊर्जा क्या होती है, बाद में मुक्त हो जाती है। किसके रूप में, कौन सी ऊर्जा के रूप में, कार्य वाली ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा जिसे हम कह सकते हैं उसके रूप में। यानी हमारे शरीर के जो काम करने वाली जो ऊर्जा होती है, शरीर के जितने भी कार्य जिस ऊर्जा के द्वारा संपन्न होते हैं, कार्य ऊर्जा के अंदर वो है, ये ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। यानी कि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, आपका सूर्य। अब हम यदि बात करें कि हमारे जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर है या जो भी जीव है वो सभी किस चीज को खाते हैं, वो सभी खाते हैं ऐसे एक किसी भोज्य पदार्थ को। किसके रूप में खाते हैं, आहार के रूप में। इससे उन्हें क्या मिलता है, पोषण। यानी अगर हम आहार की परिभाषा की बात करें तो अब आहार की परिभाषा कुछ इस प्रकार हो जाएगी, जीवों में विभिन्न कार्यों को करने हेतु आवश्यक पोषक पदार्थ को क्या कहा जाता है, आहार कहा जाता है।
यानी जीवों को अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए जो भोज्य पदार्थ आवश्यक होते हैं, ये भोज्य पदार्थ या ये पोषक पदार्थ जब शरीर के द्वारा सेवन किया जाता है तो ये क्या कहलाते हैं, ये आहार कहलाते हैं। और यदि मैं बात करूं पोषण की, व्हाट इज पोषण, पोषण क्या है, तो जीवों के अंदर पोषक पदार्थों को प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। यानी जितने भी पोषण पदार्थों को हम खाते हैं वो तो है आपका पोषण, पोषक पदार्थों को खाना पोषण है। और कार्यों को करने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को क्या कहा जाता है, आहार, और आहार का क्या किया जाता है, सेवन। क्लियर हो गया, यानी आहार और पोषण दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। पोषण जीवों को ऊर्जा प्रदान करने, शारीरिक वृद्धि करने तथा विकास के अंदर, और रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में, शारीरिक मरम्मत करने में तथा उपापचय क्रियाओं को करने में क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि यहां क्या बात की जा रही है, यहां बात की जा रही है कि आपका जो आहार होगा, आपका जो पोषण होगा, यह आहार और पोषण दोनों क्या है, पोषक पदार्थों का सेवन करना है। और यह पोषक पदार्थ क्या करेंगे, हमारे शरीर के अंदर जितना भी हमारा पोषण है उसके अंदर ऊर्जा प्रदान करने, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि करने में तथा हमारे शरीर का विकास करने में। ध्यान रखिए, वृद्धि और विकास दोनों आपको लगता होगा एक दूसरे का पर्यायवाची है, लेकिन इनके अंदर एक हल्का सा चेंज है, ट्विस्ट है। शरीर के अंदर जब शरीर का आकार में परिवर्तन होता है, उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में परिवर्तन होता है, तो यह सभी शरीर की वृद्धि है। लेकिन शरीर के अंदर मानसिक रूप से परिपक्वता आना, शरीर के अंगों का डेवलपमेंट होना, शरीर के अंग परिपक्व होना, ये सब विकास की श्रेणी में आते हैं। तो वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग अर्थ में, दोनों अलग, इनके अर्थ के हिसाब से देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग शब्द हो जाए। और यही पोषण हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा प्रदान करने में भी होता है। अब आप कहोगे, सर रोगों से सुरक्षा प्रदान तो हम गोली दवाइयों के माध्यम से करते हैं, तो क्या गोली दवाइयां पोषण है? नहीं, गोली दवाइयां पोषण नहीं है, आपके प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स जो है वो पोषण नहीं है। यहां जिस पोषण की बात कर रही है, जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करेगा, वो होंगे आपके विटामिन्स, जो हमें अलग अलग प्रकार के रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे। इसके अलावा यदि मैं आगे बात करूं तो आपका पोषण क्या करता है, पोषण शरीर की शारीरिक मरम्मत में भी हमारी सहायता करता है। अगर मैं मरम्मत शब्द को डिफाइन करूं, परिभाषित करूं, तो वो कुछ इस प्रकार होगा कि हमारे शरीर की मरम्मत शब्द अगर हमारे शरीर की के लिए हम उसको इस्तेमाल करें तो कुछ इस प्रकार होगा कि शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जब भी कोई घाव हो जाता है, जख्म हो जाता है, या कोई डैमेज हो जाता है, तो उसको भरने के लिए हमारी कोशिकाएं क्या करती है, बारंबार विभाजन करती है। और इस बारंबार विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, विभाजन की क्रिया से क्या होता है, शरीर के अंदर ऊर्जा का खर्च होती है। और ये जो ऊर्जा खर्च हो रही है, ये ऊर्जा आई कहाँ थी, ये कहाँ से थी, ये ऊर्जा आई थी आपके पोषण से। यानी हमारे शरीर की शारीरिक मरम्मत में भी पोषण सहायक है। इसके बाद आपकी उपापचय क्रिया है, हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं होती है जो हमारे शरीर की को प्रभावित करती है, जैसे श्वसन है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, पाचन है, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सब आपकी उपापचय क्रिया है। और इनको करने के लिए भी कोई ना कोई ऊर्जा खर्च होगी, और ये ऊर्जा भी आपको पोषण के माध्यम से ये ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। यहां तक आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि आहार और पोषण दोनों शब्द एक दूसरे से मिले जुले हैं, इन दोनों का आपसी कोई ना कोई संबंध है। और पोषण की सहायता से हमारा शरीर कौन कौन सी क्रियाएं संभव कर पाता है, उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, विकास होता है, रोगों से सुरक्षा प्रदान होती है, शारीरिक मरम्मत होती है, तथा उपापचय क्रियाएं भी संपन्न होती है। किसके किसके माध्यम से, पोषण के माध्यम से। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखिए पोषण के आधार पर, पोषण पाने के आधार पर, पोषण अपने शरीर के अंदर कंज्यूम करने के आधार पर जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है।
यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना पोषण वो खुद बनाते हैं, ऐसे जीव कहलाएंगे स्वयंपोषी। और ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीव के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाएंगे, विषमपोषी। देखिए स्वपोषी को हम परिभाषित करें, स्वपोषी की परिभाषा किस प्रकार हो, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं ही संश्लेषित करते हैं, यहां संश्लेषित शब्द का मतलब है बनाना, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है, स्वपोषी जीव कहा जाता है। उदाहरण, अगर हम उदाहरणों की बात करें तो आपके स्वपोषित जीवों के उदाहरण हो जाएंगे, हरे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषित जीवाणु, रसायन संश्लेषित जीवाणु, ये सब क्या है, स्वपोषित जीव है। अब आपको लग रहा होगा कि ये प्रकाश संश्लेषित जीवाणु और रसायन संश्लेषित जीवाणु क्या है, तो चलिए आइए इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी के अंदर कई करोड़ों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, कई करोड़ों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है जीवों की। पादपों को अगर हम छोड़ भी दें तो जो चलने फिरने वाले जीव हैं उनकी करोड़ों अरबों प्रजातियां पाई जाती है। अब इन जीवों के अंदर, ये जितने भी जीव वातावरण में उपस्थित होते हैं, इन जीवों के अंदर कुछ सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, कुछ हरे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, यानी कि जो आपके कवक और शैवाल होते हैं ये हरे सूक्ष्म जीव हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण की कुछ, इनकी कुछ प्रजातियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कंडक्ट करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करती है, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप अपना जीवन खुद बनाती है, अपना भोजन खुद बनाती है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनाते हैं, इसलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषी, यहां जीवाणु ना कहकर मैं इसे अगर सूक्ष्म जीव कहूं तो गलत नहीं होगा, चाहे तो हम इसे उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ाएंगे, क्यों नहीं उड़ाएंगे। प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव, ऐसे कैसे हम कह सकते हैं रसायन संश्लेषी सूक्ष्म जीव, वैसे यहां जीवाणु शब्द भी गलत नहीं होगा, पर हम यहां भी क्या कर लेते हैं, सूक्ष्म जीव कर लेते हैं। देखिए बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं वातावरण में जो जिनके अंदर अनोक्षी श्वसन पाया जाता है। देख, आपने देखा होगा कि जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं सभी के सभी श्वसन की क्रिया जो करते हैं, जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। अब चलिए आपका एक जो मिथ है, एक छोटा सा मिथ है आपके मन में जो बैठा हुआ है उसको क्लियर कर देते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि पादप जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो पादप श्वसन की क्रिया के फलस्वरूप CO2 कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, सुना है, सुना है, गलत सुना है, बिल्कुल गलत बात है। जब श्वसन की क्रिया करते हैं पादप जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया में तो पादप भी क्या करते हैं, CO2 ग्रहण कर CO2 निष्कासित करते हैं और ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। लेकिन पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, देखिए पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, लेकिन जब श्वसन की बात होगी तो श्वसन की क्रिया पादपों के अंदर भी ठीक उसी प्रकार होगी जिस प्रकार किसी अन्य जीव के अंदर होती है। ये रही वो प्रोसेस, ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे और अपना जो उन्होंने खाना बनाया है ये, इसको तोड़ेंगे और CO2 निकालेंगे, H2O निकालेंगे, इससे उन्हें क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और इस ऊर्जा का उपयोग अपनी दैनिक जीवन की क्रियाओं को करने के लिए करेंगे।
आपके मन का जो मिथ था आज वो टूट गया। बहुत से लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं होगा, तो जिनको नहीं होगा उनके लिए ये एक जो है बात थी। हाँ तो ठीक है, क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया होगी पादपों के अंदर, तो इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो क्या करेंगे, CO2 का उपयोग करेंगे और H2O का CO2 का उपयोग करेंगे और ऑक्सीजन का निष्कासन करेंगे। लेकिन जब भी बात श्वसन की प्रक्रिया की होगी, तो श्वसन की प्रक्रिया में हमेशा हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, काम में लिया जाएगा, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाएगा और CO2 को निष्कासित किया जाएगा, CO2 को बाहर निकाला जाएगा। ये आपका एक मिथ था, वो क्लियर हो गया है यहाँ, ठीक है। यहां तक आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, इस बात के अंदर कोई समस्या नहीं होगी। यानी ऐसे जो हाँ, अब मैं बात कर रहा था क्या कि रसायन संश्लेषित जीवों की, तो बहुत से जीव ऐसे होते हैं, बहुत से छोटे छोटे जंतु ऐसे होते हैं, सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर अनोक्सी श्वसन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अनोक्सी श्वसन, यानी कि वह श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते हैं। वो किसका उपयोग करते हैं, वो उपयोग करते हैं सल्फर का। और श्वसन की प्रक्रिया जब हो जाती है तो वो निष्कासित भी किसे करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को, SO2 को। क्या सल्फर एक प्रकार का रसायन नहीं है, है। तो ऐसे जीव जो अपनी इस प्रक्रियाओं के अंदर सल्फर का उपयोग करते हैं और रसायनों का उपयोग करते हैं और अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऐसे जीव रसायन संश्लेषित सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया है भाई, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें विषम पोषी, यानी कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव से प्राप्त करते हैं, ऐसे जीव जो अपना जो भोजन होता है उस भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, ऐसे जंतु वर्ग के सदस्य कवक हो सकते हैं, रोगजनक बैक्टीरिया जीवाणु हो सकते हैं, विषम पोषी जीव कहलाते हैं। यानी दुनिया के अंदर जितने भी जीव, अब ये यहाँ में सिर्फ इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है कवक और बैक्टीरिया, लेकिन मैं बात करूँ समस्त जंतु वर्ग के सदस्य लिखा गया है, जितने भी जंतु वर्ग के सदस्य हैं सभी के सभी क्या है, विषमपोषी। कोई भी सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण नहीं करता है। जब वो अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं करेगा, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे विषमपोषी, ऐसे जीवों को क्या कहा जाएगा, विषमपोषी जीव कहा जाएगा। अब विषमपोषी जीव भी आगे विभिन्न प्रकार के होते हैं। विषमपोषी जीव पुनः तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कौन कौन से, प्राणी संभोजी जीव, मृतोपजीवी, परजीवी। ये हमारे विषमपोषी जीवों के प्रकार हैं। क्या होते हैं प्राणी संभोजी जीव, होलोजोई ने कहा जाता है। ये जीव भोजन को अपने अंदर ग्रहण करके उसका अंतःकोशिकीय पाचन करते हैं। इसके अंदर पाई जाती है प्रक्रिया अधिकांश जंतुओं के अंदर पाई जाती है, यानी हमारे अंदर भी यही प्रक्रिया पाई जाती है। हम क्या करते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को कंज्यूम करते हैं और उसके फलस्वरूप भोजन से जो भोज्य पदार्थ है उन भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे कार्बनिक टुकड़ों में तोड़कर हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचा देते हैं। अब जब श्वसन की प्रक्रिया होगी, श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, तो ये ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर के अंदर घूमेगी और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगी। जब ये ऑक्सीजन पूरे शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचेगी, तो वहां जाकर वह क्या करेगी, वह ये क्रिया करेगी। ये कौन सी क्रिया, ये वाली क्रिया। ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंची, शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ था किसी भी रूप में, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के रूप में, इस भोज्य पदार्थ को वो तोड़ेगी CO2 में और H2O। रक्त की हीमोग्लोबिन ही जो ऑक्सीजन लेकर गई थी, वही वापस से क्या करेगी, इस CO2 को वापस लेकर आएगी फेफड़ों तक और फेफड़ों से वापस बाहर निकालेगी। ये H2O हमारे उत्सर्जन तंत्र के द्वारा मूत्र के रूप में, पसीने के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस ऊर्जा का उपयोग हमारा शरीर दैनिक क्रियाओं को करने के लिए कर लेगा। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं, प्राणी संभोजी जीव कहलाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया।
अरे भी कोई दिक्कत, अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हालांकि हम आसान तरीके से बिल्कुल पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा आपका मृतोपजीवी सेप्रोफाइट्स। क्या होते हैं मृतोपजीवी? ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इनके अंदर बाह्य कोशिकीय पाचन पाया, देखो पिछले वाले जो जीव हमने पढ़े थे प्राणी संभोजी, इनके अंदर क्या पाया जा रहा था? अंतः कोशिकीय पाचन, यानी पाचन की क्रिया कोशिकाओं के अंदर हो रही थी। अब आपको थोड़ी बात अजीब लग रही होगी कि पाचन की क्रिया तो सर हमारे अमाशय में होती है। हाँ अमाशय में होती है, लेकिन अमाशय में भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन छोटे छोटे खंडों में टूटता है और फिर वहां से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। अंतः कोशिकीय पाचन, पाचन कहाँ होगा? कोशिकाओं के अंदर। यहाँ कौन सा पाचन होगा? यहाँ जो पाचन की क्रिया होगी वो कोशिकाओं के बाहर होगी, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है। अब एक ये ज़्यादातर सूक्ष्म जीवों के अंदर पाई जाती है क्रिया, ठीक है ना। अब वो पूरा बेचारा एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, त्रिकोशिकीय, बहुकोशिकीय, तो कुछ गिनी चुनी कोशिकाओं से तो उपस्थित जीव। अब अगर उसके अंदर अंतःकोशिकीय, हमारे शरीर के अंदर तो पूरा पाचन तंत्र पाया जाता है, पाचन की क्रिया को कराने के लिए पूरा तंत्र है, लेकिन इन जीवों के अंदर तो कुल मिलाकर कुछ कोशिकाएं हैं, तो इनका तो इनके अंदर जो पाचन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है? कोशिकाओं के बाहर। पाचन की क्रिया जब कोशिकाओं के बाहर होती है तो ये किसके किन पादपों के अंदर होता है, किन जीवों के अंदर होता है? मृतोपजीवी जीवों के अंदर होता है, यानी ये मृत सड़े गले पदार्थों से अपना जीवन यापन, ठीक है। बाह्य कोशिकीय पाचन पाया जाता है और किसके अंदर होती है? कवक तथा बैक्टीरिया के अंदर, ये एक मृतोपजीवी जीव। नेक्स्ट हो जाएगा आपका परजीवी पैरासाइट्स। परजीवी नाम से देखिए, नाम से पर यानी ऊपर, जीवी यानी जीवन, यानी ऐसे जीव जो किसी दूसरे के शरीर पर या शरीर में रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रहकर या किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर प्राप्त करते हैं, जैसे जोंक जलीय जीव है, मछलियों के जलीय जीवों के छेंट कर अपना भोजन प्राप्त करता है। जू हमारे शरीर के अंदर, बालों के अंदर, जो बाल वाले जानवर होते हैं उनके शरीर के ऊपर ऊपर त्वचा के ऊपर छेंटे रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। प्लाज्मोडियम, अब जिन लोगों ने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी, हमारा रोग वाला चैप्टर पढ़ा है, उनको पता होगा प्लाज्मोडियम किस प्रकार एक परजीवी है। याद करिए वो बात, 450 साल पहले हमने कहानी सुनी थी। कहानी क्या सुनी थी? हमने बात की थी क्या था कि मलेरिया जो रोग है, ये मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा, है ना? नहीं, मादा एनाफिलीज मच्छर तो इसका रोग वाहक है, असल जो सूक्ष्म जीव इस रोग को फैलाता है वो होता है आपका प्लाज्मोडियम। और मादा एनाफिलीज मच्छर के लार ग्रंथियों में या फिर मनुष्य के शरीर के अंदर परजीवी के रूप में ये पाया जाता है और रोग का कारण बनता है। क्लियर है? समझ में आ गया है? आगे चलते हैं। अब हम बात करें, ये हमारे जीवों के प्रकार हमने कर लिए, किसके आधार पर? पोषण के आधार। अब हम करेंगे कि कार्य के आधार पर आपका जो पोषण है वो कितने प्रकार का होता है। अब तक हम पोषण के आधार पर जीव पढ़ रहे थे, अब जो है कार्यों के आधार पर हम पोषण के प्रकार पढ़ेंगे। कार्यों के आधार पर पोषक पदार्थ कई प्रकार के होते हैं, स्पेशली चार, जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले जो पोषक पदार्थ है वो है आपके कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो आपके शरीर की शारीरिक वृद्धि एवं विकास का कार्य करते हैं वो है आपका प्रोटीन, जो आपकी उपापचयी क्रियाओं को करने में सहायक होते हैं तथा रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं वो हो जाएंगे आपके विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे, रेशे यानी फाइबर्स, और जो शरीर की वंशागति में सहायक होते हैं, शरीर की कोशिकाओं के अंदर विभाजन में सहायक होते हैं वो होते हैं ये डीएनए आरएनए है, लेकिन असल में यहाँ डीएनए आरएनए नहीं आएगा, यहाँ आएगा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल
और न्यूक्लिक अम्ल से आगे जाकर क्या बनेगा, न्यूक्लिक अम्ल से आगे जाकर बनेगा आपका डीएनए और आरएनए, ठीक है। वंशागति में सहायक जो आपका पोषक पदार्थ होगा वो होगा न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल से क्या बनेगा डीएनए और आरएनए। फुल फॉर्म आपने देखी होगी, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डी ऑक्सी यानी डी न्यूक्लिक अम्ल राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और सिर्फ राइबो न्यूक्लिक अम्ल आरएनए, जिसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, एक ऑक्सीजन की कमी है, चार के पांच के स्थान पर चार ऑक्सीजन पाई जाती है, वो हो जाएगा डीएनए। इसके अंदर ऑक्सीजन पूरे होंगे वो होगा आपका आरएनए, राइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, क्लियर। ये हमने कार्यों के आधार पर क्या किया है, पोषक पदार्थों को विभाजित किया है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे पोषक पदार्थों के आधार पर हमने इनको डिवाइड किया। तो पहला जो हमने देखा, पहला जो आपका पोषक पदार्थ है वो है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट कैसे बना हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट कैसे इसकी संरचना होती है, कैसे ये कार्य करता है, किन किन चीजों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, इस पूरी प्रक्रिया को हम आज की क्लास के अंदर समझेंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे भोजन में मुख्य रूप से अनाजों, गेहूं, चावल, मक्का, दूध, फल, शर्करा, शहद, दाल आदि के अंदर पाया जाता है। यानी हम भोजन के रूप में लगभग जितनी भी चीजों को कंज्यूम करते हैं, उन सभी वस्तुओं के अंदर, उन सभी खाद्य पदार्थों के अंदर कुछ ना कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। स्पेशली अनाजों में, जितने भी अनाजों का हम सेवन करते हैं, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, मक्का हो या कोई और हो, उन सभी के अंदर आपका कार्बोहाइड्रेट कुछ ना कुछ मात्रा में पाया जाता है। क्लियर हो गया। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट का हमें ऊर्जा प्रदान करना है, और इसी प्रकार वसा का भी मुख्य कार्य क्या है, हमें ऊर्जा प्रदान करना। देखिए, कार्बोहाइड्रेट से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो होती है 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को हम खाएंगे, सेवन करेंगे, तो हमें 4 किलो कैलोरी या 4000 कैलोरी क्या होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। ध्यान रखिए, यहां जो मेरे कहने का औचित्य है वो ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि हम 1 ग्राम गेहूं खाएंगे तो हमें 4000 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। नहीं, प्योर कार्बोहाइड्रेट अगर हम 1 ग्राम खाएंगे तो हमें 4000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। अब गेहूं प्योर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, हाँ कार्बोहाइड्रेट का एक सोर्स है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। कितनी मात्रा में होता है, 100% तो नहीं होता है, अपेक्षाकृत कम मात्रा में होता है, ठीक है। अब ये किलो कैलोरी है, इसे ककाल मत पढ़ना। देखिए, बचपन में जब हम छोटे छोटे थे तो हम इसे ककाल पढ़ा करते थे, ककाल, लेकिन ये क्या है, किलो कैलोरी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को सामान्यतः शर्कराएं भी कहा जाता है, नॉर्मल जो शर्कराएं होती है, शर्करा यहां जो शुगर्स हैं, ये आपकी वो खाने वाली शक्कर नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कुछ मीठी एक श्रृंखलाएं बनती है, उन्हें शर्कराएं कहा जाता है। जो भी प्रक्रिया हम इसे आगे देखेंगे अभी, ठीक है, आगे देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहा जाता है, सामान्य शर्करा भी कहा जाता है, ये सामान्यतया नहीं है, सामान्य शर्कराएं भी इसे कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या भी कहा जाता है, सामान्य शर्कराएं भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अधिकांश कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, तथा सरल शर्कराओं के आपस में जुड़ने से बने होते हैं। देखिए, ज्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट आपको कैसे कैसे होते हैं, ये स्वाद में अपेक्षाकृत क्या, सामान्यतः गेहूं की अगर हम बात करें तो क्या गेहूं मीठा नहीं होता, क्या तो वही सब नहीं होता है, नहीं होता, होता है। कच्चा गेहूं आपने खाया कभी, जब गेहूं पक जाता है लेकिन अपेक्षाकृत पूरा परिपक्व नहीं होता, सूखता नहीं है, हरा ही रहता है, उसको कभी सेक कर खाइए, जबरदस्त क्या है वो मीठा है स्वाद। और अगर मैं आगे बात करूं, आपका ये अनाज कोई सा भी ले लो, चावल मीठे नहीं होते हैं, अरे मीठे नहीं होते क्या इसका मतलब ये थोड़ी कि खट्टे होते हैं, नमकीन होते हैं, मीठे नहीं होते, देखो कुछ स्वाद नहीं है, मतलब मीठे ही कह सकते हैं, गार जैसे तो नहीं है,
ना कोई स्वाद तो है, मीठे तो है। मक्का, मक्का ऑब्वियस सी बात है मीठी होती है, मक्का मीठी नहीं होती है क्या? आप भुट्टे खाई, भुट्टे जो होते हैं आपके भुट्टे, कच्चे भुट्टे जो होते हैं हल्के, उनको सेक के खाते हैं बहुत से लोग खाते हैं बरसात के अंदर, सामान्यतः बहुत महंगे बिकते हैं हमारे भुट्टे। क्या होता है इनके अंदर, बहुत मात्रा में शर्करा पाई जाती है, दूध मीठा होता है, फल मीठे होते हैं, शहद मीठा, दालें मीठी अपेक्षाकृत कम होती है, लेकिन है स्वाद में मीठी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेटों के, कार्बोहाइड्रेट सामान्य शर्करा है, और कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं, मीठे होते हैं, जल के अंदर घुलनशील होते हैं। इनमें से किसी को भी आप ले लो, जब हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे, विलयन बनाएंगे, तो आसानी से बन जाएगा, समांगी जो है विलयन बनेगा, आराम से ये विलायक के अंदर घुल जाते हैं। तथा ये सरल शर्कराओं के आपस में जुड़ने से बनते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया शर्कराएं क्या होती है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से मिलकर एक लंबी श्रृंखला होती है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके एक लंबी श्रृंखला बनती है, और वो लंबी श्रृंखला शर्करा के रूप में होती है। और जब ये अगर अब ये सिंगल बॉन्ड से बनेगी, सीधी सीधी चलेंगी, तो ये सरल शर्करा होगी, और इन सरल शर्कराओं से क्या बनता है आपका, कार्बोहाइड्रेट बनता है। वापस कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये CHO मतलब सी का मतलब कार्बन, H का मतलब हाइड्रोजन, उसका मतलब ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं। कैसे मिलकर बने होते हैं भाई, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nOn। ये क्या है, टाइपिंग का थोड़ा सा वो मिस्टेक है, आप इसको सही कर लीजिएगा। ये CnH2n इस प्रकार लिखना है, लिख सही रहा है, लिखना इस प्रकार, सी कैपिटल एन इसके नीचे, एच कैपिटल 2n इसके नीचे, ओ कैपिटल एन इसके नीचे। यानी किसी भी चीज़ के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा तो कुछ कार्बन की संख्या होगी, कम से कम तीन, कैसे वो मैं आपको अभी बताऊंगा। जितनी कार्बन की संख्या होगी उसकी दुगनी हाइड्रोजन की संख्या होगी, और जितनी कार्बन की संख्या होगी उतनी की उतनी ही ऑक्सीजन की संख्या सामान्यतः होती है या पाई जाती है। इन्हीं यौगिकों के अंतिम सिरे पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की एक श्रृंखला होगी, कितनों की भी हो सकती है, वो आगे कितनी भी जा सकती है। तो इस श्रृंखला की स्टार्टिंग और एंड किसी भी सिरे पर, दोनों अंतिम सिरे हैं, इन अंतिम सिरों पर एल्डिहाइड समूह, CHO समूह एल्डो चक्र होती है, इसे एल्डिहाइड समूह भी कहा जाता है, पाया जाता है, या फिर क्या पाया जाएगा, कीटोज समूह। ये यहाँ पर जो लिख रहा है ये वही टाइपिंग की वजह से, ये कीटोज समूह कुछ इस प्रकार होता है। इसके पहले भी कुछ जुड़ा होगा, इसके बाद भी कुछ जुड़ा होगा, हम कह सकते हैं एल्किल समूह हम जोड़ देंगे। जो साइंस स्ट्रीम के लोग होंगे वो समझ गए होंगे, R का मतलब एल्किल समूह, मतलब कार्बनों की एक लंबी श्रृंखला, कितनी भी हो सकती है। तो ये कीटोज समूह या फिर एल्डोज श्रृंखला पाई जाती है यहाँ इन यौगिकों के अंतिम सिरे पर, किन यौगिकों के, कार्बोहाइड्रेट के अंतिम सिरे पर। कार्बोहाइड्रेट की जो श्रृंखला होती है, इस श्रृंखला के दोनों अंतिम सिरों पर या दोनों में से किसी एक अंतिम सिरे पर आपको या तो एल्डोज श्रृंखला मिलेगी या फिर आपकी कीटोज श्रृंखला पाई जाती है। क्लियर है, अरे समझ में आ गया है, आगे चले, चलिए भैया आगे चलते हैं। ये आपका डायग्राम है, हाँ ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं क्योंकि ये वही तो लिखा है अपन ने। ये कोई भी एल्किल समूह, कार्बन 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 जुड़ रहा है, ये R का मतलब भी कार्बनों की एक श्रृंखला है, ठीक है ना। एंड में क्या जुड़ा है, एल्डो चक्र, CHO, ये यहाँ एल्डोज लिख रहा है, इसको कर देता हूँ मैं, एल्डोज ढंग से दिख जाए ऐसा, ये हो जाएगी आपकी कीटोज शर्करा। हालांकि ये तो एल्डोज, ये जो सी CHO ले रहा है, ये जो है ना ये C डबल बॉन्ड नीचे O है, ये हो जाएगी आपकी क्या, कीटोज शर्करा। क्लियर है,
अरे भाई समझ में आ गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी आई होप नहीं हो। आगे चलते हैं, देखिए अब हम कार्बोहाइड्रेट को पुनः कुछ कुछ भागों में विभाजित करते हैं। क्या है वो कुछ भाग? रासायनिक संगठन के आधार पर, जैसी इनकी बनावट होती है इस रासायनिक संगठन के आधार पर कार्बोहाइड्रेटों को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो दो भाग? एक तो है आपका सरल कार्बोहाइड्रेट और एक है आपके जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। कितने कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर विभाजित किया गया है रासायनिक संगठन के आधार पर? दो भागों में, सरल कार्बोहाइड्रेट्स और जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट्स को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड। मोनो का मतलब विज्ञान की भाषा में एक होता है, यानी जब किसी कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी होगी? कार्बन श्रृंखलाओं की संख्या कितनी होगी? एक होगी, तो इसे कहा जाएगा मोनोसेकेराइड। दो से लेकर नौ तक होगी तो इसे कहा जाएगा ओलिगोसेकेराइड, और नौ से ज्यादा कितनी भी हो सकती है ये हो जाएगी आपकी पॉलीसेकेराइड। नौ तो फिर याद दस आना चाहिए, दस से ज्यादा ठीक है, ये हो जाएगी आपकी क्या? पॉलीसेकेराइड। अब हम बात करें सरल कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर मोनोसेकेराइड की व्हाट इज मोनोसेकेराइड? इसके अंदर शर्करा का केवल एक अणु पाया जाता है। जब किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर सिर्फ एक शर्करा का अणु पाया जाए, शर्करा मतलब कार्बनों की जो एक श्रृंखला होती है उस पूरी श्रृंखला का एक अणु पाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? मोनोसेकेराइड कहा जाएगा। ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट, सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं वो होते हैं मोनोसेकेराइड। ये स्वाद में मीठे होते हैं, रंगहीन होते हैं यानी किसी कोई रंग नहीं पाया जाता है, मतलब पानी जैसे होते हैं, तथा जल में घुलनशील होते हैं। कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड पुनः तीन प्रकार के और पुनः दो प्रकार के नहीं, पुनः कितने भी प्रकार के हो सकते हैं, ज़्यादा होते हैं ये, है ना, हेप्टोस तक जाएगा शायद, सात प्रकार के, सात चार पाँच प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए आपको लग रहा होगा कि मोनोसेकेराइड के अंदर एक कार्बन पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, एक कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। मोनोसेकेराइड्स के अंदर क्या पाई जाती है? एक कार्बन श्रृंखला, एक कार्बन श्रृंखला पाई जाती है किसके अंदर? मोनोसेकेराइड्स के अंदर। और उस श्रृंखला के अंदर कितने कार्बन होंगे इसके आधार पर कार्बन मोनोसेकेराइड्स को पुनः कुछ भागों में विभाजित किया गया। पहला है आपका ट्रायोज श्रृंखला। ट्राई मतलब तीन, यानी तीन कार्बन युक्त शर्करा ट्रायोज शर्करा कहलाती है। यानी मान लीजिए ये हमारा कोई कार्बोहाइड्रेट समूह, कार्बन कार्बन कार्बन, एच ओ कर देंगे, एल्डो शर्करा इसका हो जाएगा, इसको भी चलो ढंग से जोड़ देते हैं, डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका ट्रायोज शर्करा। ट्रायोज शर्करा का मतलब तीन कार्बन युक्त शर्करा ये हो जाएगी। ठीक है, तीन कार्बन युक्त जो शर्कराएं होंगी वो होगी आपकी ट्रायोज शर्करा। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरेल्डिहाइड, ये सब क्या है? ये ट्रायोज शर्करा के उदाहरण है। जैसे ट्राई तीन होता है वैसे टेट्रा चार होता है, आपको पता होगा दसवीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सेप्टा ओक्टा। तो टेट्रा का मतलब चार कार्बनों युक्त शर्करा, चार कार्बनों युक्त शर्करा टेट्रो शर्करा कहलाती है। इसके उदाहरण है आपके इरिथ्रोज थ्रियोज टेट्रोज, इरिथ्रोज और थ्रियोज, ये दोनों क्या है? टेट्रोज शर्करा है। और देख लेते हैं, पांच कार्बन युक्त शर्करा को क्या कहा जाएगा? पेंटोज शर्करा। राइबोज डीऑक्सीराइबोज ये सब क्या है? पेंटोज शर्कराएं हैं। डीऑक्सीराइबोज शर्करा का जो सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखिए ये जो लिख रहा है ना, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है, कैसे लिखना है? सी बड़ा पाइप नीचे, एच बड़ा दस नीचे, ओ बड़ा चार नीचे।
डीएनए के अंदर ऑक्सीजन 4 पाए जाते हैं, आरएनए के अंदर ये संख्या सेम होगी, C5 होगा, H10 होगा, OB क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके अंदर एक ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि CNH2N सामान्य स्तर है, एक ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसे क्या कहा जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, इसे कहा जाएगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये होता है आपका डीएनए, ये हो जाएगा आपका आरएनए। हाँ भाई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? सेम 6 कार्बन युक्त हेक्सो शर्करा कहलाती है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, मेनोज हेक्सो शर्कराएं हैं। यहाँ तक ये सब क्या है, हेक्सो शर्करा के एग्जांपल है। हेप्टोज 7 कार्बन युक्त हेप्टो शर्करा कहलाती है, 7 कार्बन युक्त शर्करा को, इसका एग्जांपल क्या है आपका, सीडो हेप्टुलोज हेप्टो शर्करा है। सीडो हेप्टुलोज क्या है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, क्या होगा, C7H14O7 CnH2nOn, ये होते हैं आपके क्या, कार्बन की जो शर्करा है हम कह सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। तो हम क्या करते हैं, आज की क्लास का एक ब्रीफ ले लेते हैं कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले तो आज की क्लास के अंदर हमने पढ़ा कि आज की क्लास के अंदर जो हमारा पहला जो था वो था आहार क्या होता है। आहार की हमने परिभाषा पढ़ी और पोषण की हमने परिभाषा पढ़ी। आहार और पोषण की परिभाषा पढ़ने के बाद हमने क्या किया, पोषण के आधार पर जीवों को डिवाइड किया, स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव। विषमपोषी जीवों को भी हमने पुनः 3 भागों में विभाजित किया, कौन कौन से, प्राणी समभोजी, और मृतोपजीवी, इधर से आपको दिखेगा नहीं पर वो राइटिंग का थोड़ा सा इशू होता, और ये आपके परजीवी जीव। फिर आगे क्या किया हमने, आगे हमने कार्य के आधार पर पोषण को विभाजित किया, पोषण को विभाजित किया कार्य के आधार। कितने प्रकार के होते हैं, 3-4-5 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर हमने सबसे इम्पोर्टेंट एक जो सबसे पहला है वो पढ़ा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को पुनः हमने 2 भागों में विभाजित किया, कौन कौन से थे 2 भाग, एक तो था आपका कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड, नहीं सरल कार्बोहाइड्रेट, और एक था आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट। सरल को पुनः 2 भागों में विभाजित किया, सरल को पुनः 2 भागों में विभाजित किया, कौन कौन से थे 2 भाग, एक तो था मोनोसेकेराइड, ठीक है, तो मोनोसेकेराइड को हमने पढ़ लिया। कल की क्लास के अंदर हम मोनोसेकेराइड के बाद ओलिगोसेकेराइड्स को पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास के अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा और समझ में आ गया होगा। आपको अगर इसके अंदर कोई भी समस्या है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धैर्य बनाए रखने के लिए पूरे मन के साथ, ध्यान के साथ, चित्त के साथ आपने इस क्लास को यहाँ तक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।